हेलो एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं चिया सीड के बारे में। चिया सीड क्यों हमें खाना चाहिए और इससे हमारे शरीर को क्या लाभ हो सकते हैं, और चिया सीड है क्या एक्चुअली, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो चलो हम आज बात करेंगे चिया सीड पर। देखा जाए तो चिया सीड, लोगों को लगता है कि चिया सीड और सब्जा दोनों एक ही है, बट नहीं, असल में एक मिसकंसेप्शन है। चिया सीड अलग है, चिया सीड मीन प्रजाति से आया है और जो सब्जा है वो तुलसी के बीज है। सो दोनों को आप मिक्सअप मत कीजिए, दोनों ही अलग है। और जैसे कि तुलसी के बीज हमारे यहाँ आसानी से मिल जाते हैं, वैसे चिया सीड यहाँ आसानी से नहीं मिलता है। चिया सीड बहुत ही कॉस्टली है और ये बाहर से मंगवाना पड़ता है। ये बाहरी देशों में ज़्यादा पॉपुलर फूड है चिया सीड, क्योंकि इसमें जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं चिया सीड असल में है क्या। सो चिया सीड कई तरह के कलर में आते हैं, सफ़ेद कलर में आते हैं, भूरा कलर आता है इसका, कई अलग अलग कलर आएंगे सबके, मतलब कलर से अलग है, पर न्यूट्रिटिव वैल्यू सबकी सेम है। चिया सीड मिंट प्रजाति का है और इसके बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं। अमूमन आप देखेंगे तो ये जो अपने तिल के बीज है उससे भी बहुत छोटा, जस्ट लाइक अजवाइन के दाने जैसा, लेकिन अजवाइन का जो दाना है वो स्क्वेयरली होता है, इसका जो दाना है वो ट्रायंगल शेप में है। देखिए आप देख सकते हैं आप चिया सीड कैसे है करके, ये मैंने अपने पास रखा है चिया सीड, और इसका मैं यूज़ करती हूँ स्मूदीज़ में, या फिर इसका पानी का घोल भी बना के मैं पीती हूँ। ये बहुत ही लाभकारक है शरीर के लिए। मूलतः ये जो चिया सीड है, ये बीज हमें सेलिया हिस्पैनिका नाम के पेड़ से मिलता है, यहाँ से उगता है। देखने में जितना छोटा दाना है इसका, लेकिन इसके लाभ उतने ही बड़े हैं। जितना ये छोटा है उसके कई गुना बड़े इसके लाभ हैं, और ये काफ़ी महंगा भी आता है। और इसमें कई तरह के लाभ होते हैं, जैसे चिया सीड में फाइबर है, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है, और इसमें प्रोटीन का भी मात्रा बहुत अच्छी है। सो देखते हैं कि चिया सीड के क्या लाभ हैं। चिया सीड त्वचा के लिए अच्छा है, जो एजिंग की प्रोसेस होती है वो स्लो डाउन करता है चिया सीड, और ये हार्ट के लिए भी अच्छा है। जैसे कि इसमें ओमेगा 3 का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो फैट है वो हार्ट के लिए बहुत ही हेल्दी है, और इससे हार्ट हमारा हेल्दी रहता है। और इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे कि कैंसर प्रिवेंट होता है, जैसे सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर लेडीज़ में बहुत ही कॉमन है। सो अगर आप डेली का अगर इंटेक करते हो तो सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का आपका रिस्क आप कम करते हो। और इसमें वेट लॉस के लिए तो बहुत ही अच्छा है, इसमें जो फाइबर कंटेंट है, रफेज कंटेंट है, बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आपको फाइबर भी मिलेगा, आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा और आपका वेट लॉस होगा। सो विटामिन भी इसमें भरे पड़े हैं, विटामिन ए है, विटामिन सी है इसमें, और इसमें कई तरह के मिनरल्स भी हैं, मैग्नीशियम से भरपूर है, पोटेशियम है इसमें, सोडियम भी की मात्रा इसमें 16 mg है। अगर आप 100 ग्राम का अगर चिया सीड आप लेते हो तो आपको 486 किलो कैलोरी आपको 100 ग्राम में मिलेगी। इसमें आपको फैट मिलेगा 31 ग्राम, वो भी गुड फैट है, इसमें कोलेस्ट्रॉल का इंक्लूडेशन नहीं है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है। पोटेशियम आपको मिलेगा 40 ग्राम, आपको रफेज मिलेगा इसको, इसका रफेज है इसमें 34 ग्राम, और इसका फाइबर इंटेक है, फाइबर भी बहुत अच्छा है। अगर आप 20 ग्राम अगर आप चिया सीड लेते हो और इसमें आपको गुड फैट मिलेगा 1.5 ग्राम आपको गुड फैट मिलेगा इसमें, और 11 ग्राम आपको फाइबर मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये इसमें कैल्शियम भी, कैल्शियम से भी रिच है ये। सो आपको चिया सीड का इंटेक तो करना ही है, लेडीज़ के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा है ये, जिनको वेट लॉस करना है, जिनको अगर मतलब उनकी जो हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर है उसकी मम्मी को या किसी और को, सो उन्होंने इसका सेवन चालू कर देना है। और ये बच्चों के लिए भी अच्छा है, आप बूढ़ों के लिए भी अच्छा है, इसका आप सेवन स्मूदी में डाल सकते हो, या फिर आप ओवरनाइट इसको सोक करके, ग्लास में सोक करके, ये वो स्टिकी हो जाता है। अगर आप इतना सा भी चिया सीड लेते हो, इतना सा अगर आप चिया सीड लेते हो तो अगर आप पानी में डालोगे, एक ग्लास पानी में आप इतना भी चिया सीड डालोगे तो पूरा फूल की वो घोल बना देगा। बाहर जैसे अमेरिका हो गया, ये अपने जो कंट्री है, बाकी कंट्रीज़ में इसका सेवन भी बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग, क्योंकि इसका न्यूट्रिशन लेवल, इसका न्यूट्रिटी जो वैल्यू है बहुत ही अच्छी है। इसमें प्रोटीन भी है, जो भी मतलब एक नॉर्मल अमूमन बॉडी को जिसका ये चाहिए, जिसका जो भी मिनरल्स विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, इसमें सब आपको मिल जाएगा। सो आपने चिया सीड का इसका जो सेफ लेवल है, अगर आप डेली करते हो इसका सेवन, तो आप इसको एकदम हाफ टीस्पून या फिर थोड़ा सा
पिंच ऑफ अगर आप लोगे तो ये सेफ़ रहेगा और आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, आपको रिस्क कम हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का, आपको फाइबर अच्छा होगा, जिसको कॉन्स्टिपेशन की आजकल कॉन्स्टिपेशन बहुत लोगों को मिलता है एक ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से, उनका जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, या फिर खाने में फाइबर का इंटेक बहुत कम है तो उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कॉन्स्टिपेशन वाले मरीज़ ने भी ये अगर सेवन करते हैं तो आपको फाइबर का इंटेक जो है अच्छा हो जाएगा, आपको बॉडी में फाइबर मिल जाएगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी कम हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन में एक अलग से वीडियो बताऊंगी कि आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप खाने से कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ अगर चाहिए मेरे वाले तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट में कर दीजिए। थैंक यू सो मच।